नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि इस टाइप की जो थ्री लेग की एलईडी होती है, अगर ख़राब हो जाती है और मार्केट में नहीं मिल पाती है, तो आप इस थ्री लेग एलईडी को आप नॉर्मल एलईडी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, इस एलईडी में तीन लेग हैं और जो बीच की ये लेग है, ये हमारी नेगेटिव की लेग है, और ये दोनों साइड की जो पिनें हैं, ये हमारी पॉजिटिव की पिन है। इसके बीच की पिन नेगेटिव की पिन होती है। आप इसको मल्टीमीटर की मदद से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, या किसी 3 वोल्ट की सप्लाई से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं कि बीच की पिन हमारी ग्राउंड की होती है, नेगेटिव की होती है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीमीटर की प्रोब है, जो मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब है, उस प्रोब को देख सकते हैं एलईडी के बीच वाले लेग पर हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब मल्टीमीटर के पॉजिटिव लेग को इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर की एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रही है। उसके बाद दूसरे वाले टर्मिनल पर इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर की एलईडी ग्लो होती है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रही है, चूँकि हमारा ग्रीन कलर की जो लाइट होती है वो यहाँ पे बहुत ही कम ग्लो हो रही है, जिसके कारण से कैमरे में आपको नहीं दिखाई पड़ रही होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से टच करने से ये ग्रीन कलर की जलती है, और इधर पॉजिटिव में टच करने से यहाँ पे रेड कलर की एलईडी ग्लो होती है। तो अगर इस प्रकार की एलईडी ख़राब हो जाती है या मार्केट में नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके का जो नॉर्मल एलईडी होता है, देख सकते हैं हमारे पास एक 5 mm की एलईडी है, ये नॉर्मल एलईडी है। आप इस प्रकार के एलईडी को आप 3 लेग की एलईडी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, तो इस एलईडी में देखेंगे कि ये जो बड़ी लेग होती है, ये हमारी पॉजिटिव होती है, और छोटी लेग हमारी नेगेटिव होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं एक और एलईडी है, जिसकी बड़ी लेग पॉजिटिव है और छोटी लेग नेगेटिव है। तो नेगेटिव और दोनों एलईडी की नेगेटिव लेग को एक साथ में इस तरीके से जोड़ लेंगे। दोनों नेगेटिव को एक साथ में जोड़ेंगे तो हमारा एलईडी में जो पॉजिटिव और पॉजिटिव लेग मिल गया है इस तरीके से। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये हमारा दोनों एलईडी काम करती है कि नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पर अच्छे से सोल्व कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों एलईडी की नेगेटिव लेग को कनेक्ट कर दिया है एक साथ में। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बच गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे इस एलईडी में भी देखेंगे तो साइड की 2 पिनें ये हमारी पॉजिटिव की होती है और बीच की नेगेटिव की होती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से 3 लेग एलईडी आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, और किसी भी सर्किट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि ये हमारी वर्क कर रही कि नहीं। तो ब्लैक प्रोब को लगाते हैं यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर, बीच वाली पिन पर, उसके बाद पॉजिटिव को टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एलईडी हमारी ग्लो करती है, और दूसरी साइड की लेग में टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीमीटर में रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही धीमा ग्लो कर रही है, जो कैमरे में शायद नहीं दिख पा रही होगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप 3 लेग एलईडी अपने घर पर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद।